हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजे आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये तनिक कथक के, पता नहीं क्या नाम है उनका, भाई साहब का, उन्होंने बनवाया है। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की है जो भाई मुझे ऐसा कोई वीडियो बनाओ। उनकी जो नाक से स्मेल आना है वो बंद हो गई, मतलब सूंघने की क्षमता जो है वो खत्म हो चुकी है। बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा मुझे कमेंट किया, बहुत बार किया, तो आज मैं उनके लिए फाइनली वीडियो लेकर आ गया। तो देखो भाई साहब, तनिष्क्य कथक, पता नहीं क्या नाम है इनका, समझ नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए, देखो आपके अगर नाक से स्मेल, मतलब किसी चीज को सूंघते हो और उसकी महक नहीं लगती है, आपको स्मेल नहीं आती है, तो और अगर आपका स्वाद भी चला गया है, तो भी मैं जो नुस्खे बताने जा रहा हूं, इन नुस्खों का आप प्रयोग करो। लगभग एक महीने तक नुस्खे का प्रयोग करोगे, आपके स्मेल जो है आना स्टार्ट हो जाएगा और स्वाद भी आना स्टार्ट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति का स्वाद चला जाता है, मुंह का स्वाद, कभी कभी ऐसा होता है नाक की, ऐसा होता जब है जब हमें नाक से संबंधित बीमारियां होती हैं, और स्वाद के लिए पेट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं। ज्यादा मैं डीपली जाना नहीं चाहूंगा कि क्या क्या बीमारियां होती हैं, तब ये पनपता है, तब ये होता है। मैं बस इतना बता देता हूं, जब आपके नाक में सूंघने की क्षमता जब खत्म होगी, तब आपको एलर्जी, साइनस वगैरह की समस्या होती है, या किसी चीज का ऑपरेशन करवाया आपने, फेफड़ों में संबंधित या नाक से संबंधित किसी चीज का ऑपरेशन करवाया, साइनस वगैरह का, तब जाके इस ये समस्या उत्पन्न होती है। और जब स्वाद खत्म हो जाता है तो आपका पेट खराब रहता है, लीवर खराब रहता है, कि लीवर का ऑपरेशन, मतलब कोई भी ऑपरेशन पेट से संबंधित हुआ होता, तब आप जाके आपकी स्वाद आपका खराब हो जाता है। तो चलिए आज बात करते हैं इसके बारे में कि किस तरह से हमें स्वाद वापस लाना है, या आपके नाक की स्मेल को वापस लाना, मतलब आपकी सूंघने की क्षमता को वापस कैसे लाया जाए। आपको कुछ नहीं करना, रोजाना सुबह एक टाइम क्या करना है, सुबह कम से कम 2-3 या 4 पुतियां लहसुन की, 4 पुतियां लो, उनको कूटो और 1 कप पानी लो। 1 कप पानी में उन लहसुन की पुतियों को डाल दो और आप उसको चूल्हे पर रख दो या गैस पर रख दो, थोड़ा उबाल लो। जब आधा कप, 1 घूंट लगभग रह जाए तो उसको उतार लो। उतारने के बाद उसको इस तरह से छान लो किसी चीज से, छानने के बाद और उसको पी जाओ। रोजाना बस यही काम करना है, सुबह खाली पेट। ये सुबह खाली पेट अगर रोजाना आप कर लोगे तो आपकी जो सूंघने की क्षमता है वो आ जाएगी वापस, और स्वाद की क्षमता है वो भी, आपकी स्वाद चला गया है वो भी चला आएगा। ठीक है, अब दूसरा नुस्खा मैं बताता हूं, दूसरा क्या करना है आपको। देखो, आपको नींबू लेना है, नींबू का रस लेना है, नींबू का रस 1 चम्मच, और 1 चम्मच आपको शहद लेना है, नींबू का रस 1 चम्मच, 1 चम्मच आपको शहद। ये दो नुस्खे ही मैं बता रहा हूं, ज्यादा डीपली जाना नहीं चाहूंगा, ज्यादा हैवी नुस्खे नहीं बताऊंगा। केवल 1 महीने यूज कर लेना, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। इनको बेकार समझकर वीडियो छोड़ के ऐसा मत कर, ए जे भाई यार कुछ भी बता दे तो चले जाते हो। इनको अगर यूज कर लिया ना, 15 दिन भी यूज कर लिया, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, जड़ से खत्म हो जाएगी समस्या आपकी, ये याद रखना। तो आपको नींबू लेना है और शहद लेना है, असली शुद्ध नींबू। आपको देसी नींबू ले लो, कागजी नींबू जो होते हैं, एकदम काटो उसको, काट के आधा, एक चम्मच रस निकालो, 1 चम्मच शहद मिलाओ और उसको चाट जाओ। रोज आना दिन में 2 बार, सुबह और शाम, खाना खाने से पहले भी आप ले सकते हो, खाना खाने के बाद भी ले सकते हो। तो इसको आप लगातार 1 महीने तक यूज कर लोगे तो आपके जो सूंघने की शक्ति चली गई है वो वापस आ जाएगी, और आपके आपका जो स्वाद चला गया है वो भी वापस आ गया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना मुझे किन लोगों की और समस्या है, जिन लोगों की और समस्या है उनको वो भी अपने कमेंट करें, मैं आपको वीडियो बना के देता रहूंगा। ठीक है, तो चलता हूँ, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नई है अगर तो सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का।